आगे बढ़ना है तुम्हारी सारी सत्ता को साथ लेकर। तुम्हारी सत्ताएं क्या है? तुम्हारा स्थूल पांच भौतिक शरीर है, तुम्हारा मन है, मन की आकांक्षाएं हैं, अनुभूतियां हैं, और तुम्हारी आत्मा है। सब कुछ सब कोई जानता है। ये जो प्रपंच है, ये जो पांच भौतिक जगत है, ये सीमित है। इसलिए मनुष्य का यह जो शरीर पांच भौतिक, यह भी सीमित है। मगर सीमित होने पर भी इसमें भी तो उन्नति हो सकती है, इस पहलू में भी तो तरक्की हो सकती है। तुम कहते हो मनुष्य अगर साधना करे तो स्थूल शरीर तो उनका हाथी के माफिक नहीं हो सकता है, डायनासोर के माफिक नहीं हो सकता है। हाँ जी, यहाँ भी एक बात कहनी है, हो सकता है तुम्हारा हाथ पैर हाथी के माफिक डायनासोर के माफिक नहीं हो सकता है, मगर चर्चा के कारण साधना के कारण तुम्हारे ये जो जागतिक ये जो प्रपांचिक शरीर है इसमें एक खूबी है, और यह खूबी और जीव जंतु में नहीं है, वो है तुम्हारा मस्तिष्क। जिस मस्तिष्क पर मन आधारित है, प्राचीन काल में जितने जीव जंतु थे बड़े बड़े शरीर वाले थे, मगर बुद्धि में पश्चात्पद थे, पीछे पड़े हुए थे, जिसके चलते कई लाख साल हो गए, उनका खात्मा हो गया। मगर स्वाभाविक नियम के अनुसार जिस वक्त मनुष्य का खात्मा होना है, मनुष्य उससे आगे ही बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, ना उनकी बुद्धि की बदौलत। तो साधना से मानसिक आध्यात्मिक तरक्की तो होती ही है, शारीरिक तरक्की होती है। वो तरक्की क्या है, ना बुद्धि बढ़ जाती है। हाँ, यह बात तो ठीक है कि साधक लोग सीधे साधे सरल होते हैं, मगर निर्बोध नहीं होते हैं, बुद्धि उनमें रहती है। और मैं भी बार बार हजार बार मैं भी कहता हूँ कि बुद्धिमान बनो, बुद्धू मत बनो, मगर सीधा साधा बनो। साधना से मन तो बढ़ता ही है जी, आत्मा की भी प्रगति होती है। आत्मा की प्रगति कैसे होती है, किस तरह की चीज है वो, तरक्की कैसी चीज है जी। हम कहते हैं कि इससे रूहानी तरक्की होती है, ये रूहानी तरक्की क्या है जी। मनुष्य जब साधना की बदौलत परम पुरुष की ओर बढ़ते हैं तो बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। तुम लोग देखोगे दुनिया में बड़े बड़े काम और बड़े बड़े आविष्कार, मानव समाज के लिए बड़ी बड़ी भावनाएं चिंताएं जिन लोगों ने की थी, सब साधक थे, सब आध्यात्मिक ख्याल के मनुष्य थे, जड़ बुद्धि के जड़ उपासक नहीं थे। यही है आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी खूबी। आज तक दुनिया में जितने बड़े बड़े इंसान आए थे और इंसानियत के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए उन लोगों ने जो कुछ भी किया है, सब काम तुम लोग देखोगे वही लोग किए जिनके मन में परम पुरुष के लिए मोहब्बत है। जिनके दिल में परम पुरुष के लिए मोहब्बत नहीं है, दिल सूखा है, रेगिस्तान जैसा है, उनसे बड़ा काम नहीं होता है। वे जोगी बनकर पर्वत के गुफा में रह सकते हैं, मगर दुनिया के लिए उनकी कोई कीमत नहीं है। तुम लोग साधक हो, तुम लोग आगे बढ़ते रहोगे, साथ ही साथ दुनिया की खिदमत करते रहोगे। तो मन केवल शारीरिक अर्थात बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है, और मानसिक विकास के साथ साथ आत्मा में प्रतिफलन की शक्ति भी बढ़ जाती है, आत्मा में रोशनी आ जाती है और आत्मा में चमक आ जाती है। क्यों चमक आती है जी,
न परम पुरुष, परम पुरुष से जहाँ उत्सरण के कारण दुनिया की हर चीज की पैदाइश होती है, उस उत्सरण बिंदु के नजदीक वे पहुंच जाते हैं, उनकी आत्मा उस उत्सरण बिंदु के निकट पहुंच जाने के कारण उसमें प्रतिफलन की शक्ति भी बढ़ जाती है, उनकी सारी सत्ता में एक चमक आ जाती है। मगर मनुष्य जो कुछ भी करेंगे, मनुष्य जो साधना करेंगे, वो बौद्धिक विकास के लिए नहीं। क्यों? न बौद्धिक विकास भी बहुत छोटी चीज है, वो मानसिक संप्रसारण के लिए भी नहीं। क्यों? न मानसिक संप्रसारण भी बहुत छोटी चीज है, वो आत्मा में चमक लाने के लिए भी नहीं। क्यों? न आत्मा की ये जो चमक, वो भी बहुत छोटी सी चीज है। वो साधारण साधना करेंगे परम पुरुष के लिए, परम पुरुष के प्रति उनमें जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए। और क्यों उस मोहब्बत को बढ़ाने के लिए साधना करेंगे? ताकि उनकी उस मोहब्बत से परम पुरुष को संतोष मिले।